कर दोस्तों, मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं राजू मोटो ब्लॉगर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों फिलहाल है हम कुमलगढ़ अभयारण्य और आज हम देखने के लिए जा रहे थे कुमलगढ़ फोर्ट। और ये जो मेरे चारों तरफ आप जो पहाड़ियाँ देख रहे हो, इस पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये जो पूरा का पूरा ये जो मैदान है। और नॉर्मली रूप में यहाँ पर खेती होती है इस इलाके के अंदर। और खेती में क्या है, पानी की ज़रूरत पड़ती है खेती करने के लिए। तो यहाँ के जो लोग हैं वो पानी है वो किस प्रकार लगाते हैं, तो ये जो टेक्निकल है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। और आज मैं आपको पुराने ज़माने का रहट दिखाने वाला हूँ, जो कि जब जो हमारे जो पूर्वज होते थे जो खेती करते थे तो उनको पानी की ज़रूरत होती थी। तो पानी है वो मान के चलो भाई जो किसी नदी नाले से उठाएंगे, तो उसको उठाने के लिए किसी ना किसी प्रकार का जुगाड़ तो अपने को करना होगा। तो उसी प्रकार जो आज मैं दिखा रहा हूँ वो है रहट, ठीक है। और अभी ये बेलों से चल रहा है क्योंकि पुराने ज़माने में है वो लाइट है वो हुआ नहीं करती थी, तो इस प्रकार का सिस्टम बनाकर सिंचाई की जाती थी। और अभी ये देखिए दो देसी बेल है वो इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। और इस साइड से ये पानी है ये आ रहा है, ठीक है ना। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, ये देखो बेल चल रहे हैं यहाँ पर, दो बड़े बड़े बेल है और ताऊ जी है वो ऊपर बैठे हुए हैं इसके और काफ़ी तेज चल रहे हैं। तो मारना दे भाई सिंह, ठीक है। ताऊ जी क्या नाम है आपका? कालू सिंह। अच्छा अच्छा कितने टाइम से चला रहे हैं इन बेलों को आप? सुबह 8 बजे लगाया। पूरे दिन ऐसे ही चलता रहेगा क्या? एक घंटा इसको खाना खिलाया। तो मेरे को ये बताइए कि इन रोक लो एक बार आप, मेरे को ये बताइए कि ये मान के चलो पूरे दिन ऐसे ही चलते रहते हैं, ठीक है। तो इनको कुछ खाने पीने की व्यवस्था बीच में देते हो क्या? खाना पीना देते हो? एक घंटा रेस्ट कराते हैं। अच्छा एक घंटा रेस्ट करवाते हो आप, ठीक है। और ये आपको लगाए हुए कितना टाइम हो गया? 40 साल हो गया। 40 साल पुराना ही है? इससे पहले भी लगा हुआ है? लकड़ी का था। लकड़ी का था ये वाला? लकड़ी का था ना? ये सब लकड़ी का आता था। अच्छा लकड़ी का आता था, ठीक है ठीक है ठीक है। और कितनी खेती है आपकी यहाँ पर? अच्छा क्योंकि पहाड़ी इलाके है ना, इसकी वजह से यहाँ पर जमीन कम है ना? जमीन कम है, पानी लगा। हाँ अभी तो मेरे को ये लग रहा है भी ये 2-1 बीघा जमीन होगी ये वाली, ठीक है ना। तो ये एक बेल नहीं घुमा सकता क्या इसको? घुमा सकता है। ताकि कितनी लगती है इसको घुमाने में? ज़्यादा नहीं लगती है, नॉर्मली। अच्छा अच्छा तो देखिए दोस्तों, ताऊ जी वो बता रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ना ये पहले लकड़ी का हुआ करता था, ठीक है। ये सिस्टम ये जो गरारिया है ना ये लकड़ी की हुआ करती थी। तो क्या बोल रहे हैं कि ये टूट गया था क्योंकि जो लकड़ी होती है वो पुरानी होने के बाद में क्या है वो मतलब उसके अंदर दीमक वगैरह खा जाती है, तो उसकी वजह से ये टूट गया। टूटने के बाद में इन्होंने ये लोहे का बनाकर यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। और धीरे धीरे चल रहा है, पूरे दिन ऐसे ही चलता रहेगा और ताऊ जी की जो खेती है उसकी सिंचाई होती रहेगी। तो अभी ये देखिए जी यहाँ पर कुआ है, अभी मैं नीचे की तरफ जाता हूँ। कौन सी साइड पे जाएँ? नीचे इस साइड से जाते हैं, इस साइड में जाते हैं। आइए कैमरा मैन, आइए आइए, ठीक है। और अभी ये ताऊ जी है, इन्होंने यहाँ पर ये पत्थर का कुआ बना हुआ है, मेरे हिसाब से काफ़ी गहरा भी होगा ये कुआ। और पानी है बिल्कुल साफ है। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इस पानी के अंदर मछलियाँ तैर रही है, ये रही मछलियाँ, ठीक है। और ये लोहे की बाल्टियाँ बनी हुई है, डिब्बे बोल सकते हैं इनको अपनी भाषा के अंदर। और ये गोल गोल घूम रहा है, और जैसे ये घूम रहा है वैसे वैसे ये बाल्टियाँ हैं वो पानी से भरीद कर ऊपर की तरफ जा रही है। और ऊपर जो टैंकी बनी हुई है उसके अंदर जो होद बनी हुई है उसके अंदर गिर रही है जाकर, ठीक है। और काफ़ी अच्छी तकनीक है, बिना डीजल तो ये तकनीक है, ना किसी पेट्रोल की ज़रूरत, ना किसी डीजल की ज़रूरत और ना किसी लाइट की ज़रूरत, ईंधन वगैरह की ज़रूरत ख़त्म है। 0 कॉस्ट के अंदर इनकी जो खेती है वो होती है, ठीक है। और ये ऐसे 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 आराम से काफ़ी पुराना बता रहे हैं, मेरे को बिल्कुल पसंद आई है ये टेक्नोलॉजी है ये इनकी, और बढ़िया तरीका है ये तो। और ये इन्होंने यहाँ पर पुरानी रख रखी है जो कि खराब हो गई है। अभी मेरे हिसाब से ये जो पानी है ना
यही पानी आ रहा है इधर। ये पानी है, ये पानी कुएं के अंदर आ रहा है, ये वाला इस साइड में क्या है, ये जो पहाड़ है ना, ये पानी है, ये आता रहता है झरनों के द्वारा और फिर इस कुएं के अंदर आकर गिर रहा है ये। और कुएं से वो ताऊ जी फायदा उठा रहे हैं, वो अपनी खेती है वो कर रहे हैं। चलते हैं ऊपर, अच्छा वो पानी आ रहा है, नहीं ये नहीं बोल रहा, वो पानी कुएं के अंदर गिर रहा है। अच्छा हाँ, ताऊ जी बोल रहे हैं कि वो जो पानी है वो कुएं के अंदर गिर रहा है और कुएं से वो पानी हम उठा रहे हैं। और ताऊ जी का सिस्टम देखो भाई, बिल्कुल 1% भी पानी है वो साइड में नहीं गिर रहा है, पूरा का पूरा जो पानी है वो इस होद के अंदर गिर रहा है। ये देखो कितना ज़्यादा पानी चल रहा है, ये देखो इस साइड में आइए जरा, ये भी दिखाता हूँ ताऊ जी। और ताऊ जी ने ये जो ये बैक है गाइस, इसके लिए यहाँ पर लॉक भी लगा रखा है, ये देखो लॉक ब्रेक सिस्टम। ये जो पानी है वो इस साइड से आकर यहाँ पर गिर रहा है, ठीक है, और इस साइड में दोनों जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्या है, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो नक्का मोड़ रही है, ठीक है ना, जो क्यारियाँ होती है उनको मतलब खोद रही है और उसके अंदर पानी जा रहा है, काफ़ी दूर है वो, ठीक है। इस साइड में भी ताऊ जी है, ये पानी है बिल्कुल पतला सा खाला है, ये पतला सा खाला है, ठीक है, इससे पानी जा रहा है इस साइड के अंदर। और मैं मीठा कितना का ये पानी चेक करता हूँ एक बार, पी के टेस्ट करता हूँ। बिल्कुल मीठा पानी है भाई, ताऊ जी से पूछते हैं, ताऊ जी आपने ये सिस्टम लगवाया, इसको वैसे रहट बोलते हैं ना, रहट, ठीक है, कितना खर्चा आता है इसका, कितना खर्चा आता है अभी, समझ लो अभी हो जाता है 60 से 80,000 रुपये। अच्छा 80,000 रुपये बता रहे हैं ताऊ जी, बोल रहे हैं कि इसको लगाने में 80, पहले कम था, पहले 80,000 में लगाया ये, 7,000 में आया हुआ है ये, 7,000 में। अरे यार कमाल की बात बता दी ताऊ जी आपने तो, आज से 40 साल पहले भाई ताऊ जी बोल रहे हैं कि 7,000 रुपए में आया था, लेकिन उस जमाने के 7,000 रुपए भी बहुत होते थे, आज के जमाने में अगर बात करें 7,000 रुपए उस जमाने के 7,00,000 के बराबर होते थे, ठीक है। और ऐसे ही चलता रहेगा ये, और ताऊ जी है वो खेती करते रहेंगे। और क्या पूछे ताऊ जी आपसे, गेहूं की खेती कर रहे हैं ताऊ जी भाई। और यहाँ एक बात ये है कि बिल्कुल छोटी छोटी क्यारियाँ हैं, ये देख रही इधर आइए मान भैया, ये देखो इधर आओ ताऊ जी, इन्होंने यहाँ पर गेहूं बो रखी है और जो क्यारियाँ हैं वो बिल्कुल 10-10 फीट की 10 फीट लंबाई और 5 फीट चौड़ाई, क्योंकि यहाँ पर मोटर का पानी तो है नहीं, मोटर का पानी नहीं है तो मोटर के पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ये आराम से है ना भरती रहती है क्यारियाँ। और मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि भी इस प्रकार का जो सिस्टम है वो अपने इलाके के अंदर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना कॉस्ट का यार, बिना कॉस्ट के पानी चल रहा है, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। एक सबसे बेस्ट बात यहाँ की ये है, मिट्टी यहाँ की जो मिट्टी है बिल्कुल ब्लैक, जैसे कि पंजाब में मिट्टी होती है ना, उससे भी बढ़िया मिट्टी है ये। अरे ताऊ जी, मिट्टी यही है, इसमें फसल बहुत अच्छी होती है। आपके यहाँ पर गेहूं कितनी को जाती है एक बीघे की, 2-3 बोरी होता है, ज्यादा नहीं होता। अरे यार अभी यूरिया वगैरह नहीं डालते, 2-3 बोरी यूरिया डालते हो, कम डालते हो, और खाद वगैरह देसी खाद गोबर, तो भाई ताऊ जी वो गोबर की खाद डालते हैं, यूरिया के बारे में बता रहे हैं कि भी नॉर्मली यूरिया डालते हैं, और ये बोल रहे हैं भी एक बीघे के अंदर ओनली 2-3 बोरी होती है, मतलब मान के चलो 2-3 क्विंटल होता है, 2-3 क्विंटल होता है, तो बिल्कुल कम होता है। तो भाई मेरी तो सोच ये है कि हमारा जो इलाका है, जैसे मान के चलो राजस्थान का जो अदर बेल्ट है, उसके अंदर भी इस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए, लगाना जरूरी है, क्योंकि सिंचाई है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी और बैलों को काम मिल जाएगा। एक चीज़ और है,
क्या? जैसे मान के चलो यहाँ के जो किले है ना, हाँ, वो जैसे दो कनाल तीन कनाल के होते हैं। हाँ, तो बड़े नहीं होते, पहाड़ी इलाका है ना, तो उसकी वजह से समतल भूमि है, वो नॉर्मली मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपको एक यूनिक चीज दिखाई, इसके लिए आपका भी एक फर्ज बनता है कि एक प्यारा सा कमेंट करना और एक लाइक करना और एक शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।